स्मृति चौधरी है, मैं एक आर्टिस्ट और ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ। आज मैं आपके साथ फिर से एक नए टेक्निक से आर्ट बनाने वाली हूँ। ये जो तरीका है इसको इंग्लिश में पेपर कोलाज बोलते हैं, जिसमें हम पेपर कट करके स्टिक करके अपनी ड्राइंग बनाएंगे। इसके लिए आपको चाहिए दो पेपर्स, एक छोटा साइज और दूसरा बड़ा साइज, वाटर कलर्स, ब्रश, फेविकॉल, सिजर्स और पानी जो पेंट करने के लिए। सबसे पहले बड़ा वाला पेपर लेकर आपको अलग अलग कलर से पेंट करना है। कुछ जगह पर प्लेन कलर को मिक्स करेंगे और कुछ जगह पर पैटर्न्स बनाएंगे। अगर आपके पास वाटर कलर्स नहीं हो तो आप कोई भी तरह के कलर्स यूज कर सकते हैं। मुझे मेरे क्लाउड्स पिंक, येलो और ब्लू चाहिए, तो मैं ज़्यादा वो कलर्स यूज़ कर रही हूँ। आप जो ड्राइंग्स बनाना चाहते हैं आप उस हिसाब से कलर यूज़ कर सकते हैं। पेपर को बस चारों तरफ से कवर कर देना है। अब एक पेंसिल लेकर हम रफ ड्राइंग बनाएंगे। बादलों और घर के साइज के लिए छोटे पेपर से अंदाज़ा लेंगे। अब उस अंदाजे से हम अंदर कुछ छोटे और कुछ बड़े बादल बनाएंगे। ये सिर्फ एक रफ ड्राइंग है, काटने के टाइम हम इसको अच्छी तरह से शेप दे सकते हैं। ये बादलों की पहली लेयर के लिए अब काफ़ी है। अब हम इनको सिजर से अच्छे से काटेंगे। बड़े बादल हम पीछे की तरफ लगाएंगे और छोटे बादल सामने। आप काटते वक्त अपने पीसेस को जैसे लगाना है वो डिसाइड कर सकते हैं। ऐसा करने से आपको कितने पीसेस चाहिए उसका अंदाज़ा हो जाएगा। मैंने आसमान पर घर बनाया है, आप अपनी इमेजिनेशन यूज़ करके इस टेक्निक से कुछ भी बना सकते हैं। अलग अलग ग्रीन और येलो पेंट करके इस तरह से काटकर पेड़ पौधे या जंगल बनाने में भी बहुत मज़ा आता है। अब हम इनको चिपकाना चालू करेंगे। जो लेयर पीछे की तरफ है उसे हम पहले चिपकाएंगे। मैं फेविकॉल यूज़ कर रही हूँ, आप ग्लू स्टिक भी यूज़ कर सकते हैं। कुछ क्लाउड्स को पेपर से बाहर जाने दे सकते हैं, इसे हम बाद में काटेंगे। इस तरह से ड्राइंग बनाना बहुत ही आसान है। अगर आपको पेंट नहीं करना हो तो पुरानी मैगजीन्स या न्यूज़पेपर से भी अपने शेप काट के चिपका सकते हैं। क्लाउड्स का पहला लेयर तैयार हो गया है। अब बचे हुए स्पेसेस के लिए हम बाकी पेपर से छोटे छोटे क्लाउड्स काट कर लगाएंगे। आप जितनी लेयर्स लगाएंगे उतना ही अच्छा लगेगा। अब ये सारे पीसेस हमने चिपका दिए हैं। फेविकॉल अच्छे से सूख जाने के बाद हम इसको पलट कर जो क्लाउड्स बाहर निकल रहे हैं उनको सीजर से कट कर देंगे। ये तैयार हो जाने के बाद आप पेन लेकर कुछ डिटेल्स भी डाल सकते हैं। मैं इस घर पर खिड़की और दरवाज़ा ऐड कर रही हूँ। आप जो भी ड्राइंग्स बनाएंगे उस हिसाब से इस ड्राइंग पर डिटेल डाल सकते हैं। ये टेक्निक जो लोग ड्राइंग नहीं बनाना जानते उनके लिए भी बहुत आसान है। तो अब आप ये तरीका ट्राई करके हमें अपने आर्टवर्क भेज सकते हैं और मैं आपको जल्दी मिलूंगी कुछ और नया आर्ट बनाने के लिए। बाय। आप सभी बच्चों से यह अनुरोध है कि आप भी इस प्रतियोगिता में हिस्सा लीजिए और अपनी एंट्रीज को हमारे पास भेजिए। आप अपनी एंट्रीज हमें 3 तरीकों से पहुँचा सकते हैं। पहला, व्हाट्सएप द्वारा इस नंबर पर भेज सकते हैं। नंबर है 9321961744, 9321961744। दूसरा, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं इस मेल आईडी पे bepcddprogram@gmail.com या आप हमें डाक के माध्यम से भी अपनी एंट्रीज भेज सकते हैं इस पते पर। गुणवत्ता संभाग, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद, शिक्षा भवन, राष्ट्रभाषा परिषद परिसर,
सैदपुर, राजेंद्र नगर, पटना 800004। बच्चों, आपको अपनी एंट्रीज हमें इस प्रारूप में भेजनी है। सबसे पहले विद्यार्थी का नाम, फिर विद्यालय का नाम, उसके बाद कक्षा और एकदम अंत में जिला। इस तरह से लिखकर आप अपनी एंट्रीज हम तक पहुंचा सकते हैं। और याद रखें, आप हमें अपनी एंट्रीज आने वाले शुक्रवार शाम 6 बजे तक ही भेज सकते हैं। धन्यवाद।